हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सौरभ राय और मेरे साथ हैं मेरे पापा डॉक्टर राजेश राय। 1 फरवरी सुबह के बजे हैं 5 और हम लोग का प्लान है, अभी निकल रहे हैं हम लोग नागपुर के लिए। रीज़न आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अगर नहीं मालूम है तो मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए, पता चल जाएगा कि मैं इंडिया में क्यों आया हूँ। और अभी चल रही है चाय बिस्किट, ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद सामान सब पैक्ड है, फिर निकलेंगे ऑन द वे टू नागपुर। मेरे ख्याल से अराउंड 10 घंटा लगता है, बट विल सी। भगवान का नाम लेते हुए चालू करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, समर्स चल रहे हैं, तो 4 बजे उजाला हो जाता है। और यहाँ पे देखिए पूरी अभी रात आ रही है, 5:15 बज रहे हैं तो भी। और बाद में मेरी घड़ी चालू हो गई है, पापा ने कल बैटरी लगा दी थी। ये है अपनी गाड़ी, निकालने के लिए कोई इशू नहीं होना चाहिए। और ये मेरा स्टैंडर्ड बैग और ये पापा का। मैं यहाँ पे रहा करता था बहुत सालों पहले, तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। बट अभी इतनी सारी गाड़ी हो गई है कॉलोनी में कि इंसान की चलने की भी जगह नहीं है। क्रिकेट खेलना तो दूर की बात है, सब जगह गाड़ी है गाड़ी। तो इस बार हम लोग कल्याण से निकल रहे हैं, तो बेसिकली गूगल मैप फॉलो कर रहे हैं, तो 10 घंटा बता रहा है। और पहले कहाँ से जाते हैं पापा? पहले हम लोग नासिक से पकड़ते थे हम लोग नासिक रोड हाईवे, आगरा हाईवे जिसको बोलते हैं। तो अब की बार ये वहाँ पर कंजेशन दिखा रहा है, तो और इधर से 7 मिनट स्लोअर दिखा रहा है, तो हम लोग टूवर्ड शील फाटा से होकर के निकल रहे हैं। और एक अल्टरनेटिव रूट भी है जो कि थाने का कंजेशन बचाने के लिए, खास करके जब आप वापस आ रहे हैं मुंबई, तो इसलिए इसको सोच रहे हैं कि एक्सप्लोर कर लिया जाए। अगर रोड्स वगैरह अच्छी हो गई होंगी तो लौटने में भी आसानी रहेगी थोड़ा। और ये बाय द वे हम लोग का जो दूसरा घर है बॉम्बे में, पलावा ना, हाँ वहाँ वही डायरेक्शन में है। हाँ, उसके बगल से ही गुजरेंगे हम लोग। और अभी वहाँ पे एक नया एयरपोर्ट आ रहा है, नवी मुंबई एयरपोर्ट, जो मेरे ख्याल से 2025 में चालू होने वाला है, 2024 में फर्स्ट स्टेज, उसके बाद धीरे धीरे फिर प्रॉपर फुल फ्लेज बनेगा। तो दो एयरपोर्ट हो जाएंगे फिर मुंबई में, एक जो जहाँ से मैं आया और एक ये वाला। तो पूरा ट्रैफिक रुका है इसके वजह से। तो अभी हम लोग आ गए हैं शिव सागर, यहाँ पे हम लोग का रुकने का प्लान था, बट जो ओरिजिनल रास्ते से आते तो उस रास्ते में हम लोग 7:30-8 बजे पहुँचते, अभी 6:30 ही बज रहे हैं, तो अभी तक ये खुला ही नहीं है। तो आई थिंक विल हैव टू कैरी ऑन, बाद में जाके देखते हैं कहीं और चाय पानी का रुकेंगे। करेक्शन भाई बहनों, तो ये खुला हुआ है, यहाँ पे हम लोग को चाय और सब नाश्ता मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आज के पहले कस्टमर हम ही हैं। और रहे तो इन लोग के पूरे वर्कर्स आ गए यहाँ पे, हम लोग पापा ने मेरे ख्याल से पोहा और चाय ऑर्डर किया है। फिर अपना पोना, मैं पोहा मैं बस थोड़ा टेस्ट करने वाला हूँ, और ये पापा अपना स्कल कैप लगा लें पीनी। और पोहा टू चटनी का जो रेशियो है वो थोड़ा सा आउट है, हम दोनों को चटनी दे दिया, बट टेस्ट में अच्छा है। नॉर्मली घर से हम लोग को 2 घंटा लगता है, बट पापा बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम कि हम लोग 1 घंटे में पहुँचे हैं। बिल्कुल 1 घंटे में अपने घर से शिव सागर पर हम लोग देखो बैठे हुए हैं। हाँ, काफ़ी जल्दी आ गए। अच्छा डिसीजन था नया रोड लेना, काम किया। तो गई अपनी चाय स्पेशल कप में, पिया जाएगा उसको और फिर निकला जाएगा। टेम्परेचर इतना कम नहीं है, मुझे तो ऑब्वियसली पर्थ में ज़्यादा सर्दी होती है तो इतनी सर्दी नहीं लगेगी, 18 डिग्रीज। और बट ऊपर जैकेट है, बीनी है अगर जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ी तो। नसम काम लोग का बिल है $157, $3 पोहा और चाय। और फ़ोन पे या फिर पेटीएम पे सब हो जाता है, सब कुछ कैशलेस है यहाँ पे आजकल। बाबा शिव सागर हो गया, अभी टाइम टू कंटिन्यू विद आवर जर्नी। अभी हम लोग आए हैं ये एक फाटा पे, क्या बोलता है इसको, टोल प्लाजा। और यहाँ पे है सिस्टम फास्टैग का, तो पापा का जो अकाउंट है वो कहाँ गया फास्टैग? ये रहा बेसिकली एक वही है क्या बोलते हैं RFID टैग जो होता है। तो यहाँ पे सेंसर्स हैं जो पिक करते हैं और अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिक कट जाएंगे, तो जाके फिजिकली पैसे देने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ऑप्शन पैसे देने का भी होता है ना पापा? हाँ, पैसे देने का होता है, और अभी तो मस्ट कर दिया है
कि अगर आपने फास्टैग नहीं लगाया तो आपको डबल टोल देना पड़ेगा। हाँ, तो डबल टोल से अच्छा है कि क्या बोलते ये लगा लो फास्टैग। फास्टैग। और मैंने मेरे ख्याल से बताया था पिछले वीडियो में भी, पिछले क्लिप में भी, अभी हम लोग जैसे चाय और पोहा खाते हैं उसका भी फोन पे जो UPI पेमेंट का मेथड है उससे ही पे हो गया था सब कुछ। और कल हम लोग गए थे गाड़ी का हवा भराने, तो वहाँ पे भी पेटीएम और फोन पे के ऑप्शन थे। तो आजकल सब कुछ कैशलेस हो रहा है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मेरा जो एग्जांपल है वो काम नहीं कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, बट यू गेट द जिस्ट। मैंने सेटअप कर दिया अपना GoPro, तो ये वाला ब्लॉग में नहीं आएगा वीडियो। मेरा एक सीरीज है नो द पर्सन, ऐसा पॉडकास्ट टाइप का है, तो उसमें अभी हम लोग का है 7 घंटा और ट्रेवल। तो पापा का ऑलरेडी 2 एपिसोड बना चुका हूँ मैं, तो मेरे ख्याल से 3rd-4th भी आज ही आ जाएगा। अरे आज रिकॉर्ड कर लेंगे, तो अपने आप को बिजी रखने के लिए। तक मेरे ख्याल से खुद ही की नज़र लग गई, अब तक बिल्कुल अच्छी खासी रोड चल रही थी। और यहाँ पे इगतपुरी आ गए हम लोग। हाँ, इगतपुरी के घाट से। हाँ, और यहाँ पे पहाड़ के ऊपर, घाट के ऊपर ट्रैफिक जाम धीरे धीरे सरक रही है, बट होपफुली ज़्यादा टाइम ना लगे, एटलीस्ट व्यू ठीक है। तो ये ट्रक ब्रेकडाउन है यहाँ पे, और मेरे ख्याल से इसके वजह से भी जाम लगा हुआ है। ये रिवर्स बैक कर रहा है आई थिंक टू पुल द ट्रक आउट, बट 2 लेन की रोड है इसमें। ये ख़त्म होने के बाद रास्ता फ्री होगा। यहाँ पे एक और ट्रक है जिसकी काफ़ी लगी भी है, तो अपना व्हील चॉक्स की जगह पत्थर डाल के ये लोग, बट पुलिस आई हुई है, पैसा ले रही है। मैंने तो अभी आए हम लोग यहाँ पे फ्यूल स्टेशन अपने गाड़ी में डीजल भराने, और लगे हाथ सूसू भी कर लिया जाए। तो 2700 का डीजल आया, अभी वापस ऑन द वे में भी रुके, अभी आगे कहीं चाय पियेंगे। मैंने तो हम लोग अभी रुके हैं एक चाय स्टॉप के लिए, यहाँ पे खाना वाना भी मिल रहा है, फोटो में तो काफी दिख रहा है, आई एम श्योर अच्छा भी होगा। काफी नीट एंड टाइडी रेस्टोरेंट है, बिल्कुल हाईवे के बाजू में, खाली है बस हम लोग के लिए, और यहाँ पे एक लड़की भी है। भी देखिए रूरल इलाका है यहाँ पे भी, बट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स पेटीएम सब एलिजिबल, सब है। इसमें एक मीठा पान का पैकेट पड़ा हुआ है, तो ये लेते हुए जाएगा। इन लोग का बैकयार्ड बहुत ही अच्छा व्यू है, और आई एम श्योर ये जो बाजू से सीढ़ी जा रही है ये ऊपर इनके घर में जाती होगी। तो नीचे अपना बिजनेस चल रहा है, ऊपर अपना घर है, और नॉट अ बैड लाइफ, नाइस एंड सिंपल मीनिंगफुल। यहाँ पे पीछे इन लोग का एक फैमिली टाइप का इलाका भी बना हुआ है, फैमिली कैबिन्स, इवन दो ये भी ठीक ठाक जगह दिख रही है मुझे, नॉट टू बैड। हम लोग तो यहीं पे बैठ के चाय पी रहे हैं भाई। और भाई बहन, तो मैं सोच रहा हूँ कि मसाला जीरा भी ले लें अलॉन्ग विथ पान और सम सोडा, सर रास्ते में पेट के लिए अच्छा होगा, वी शुड बी नाइस फॉर गट्स। अच्छा है जीरा सोडा, मसाला जीरा पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, यूजली मैं फिजी ड्रिंक्स बहुत ही अवॉइड करता हूँ, बट मुझे पसंद है। और रास्ते में यहाँ पे काफ़ी सारी ईंटों की भट्टी भी दिख रही है, बेसिकली अपना वही अपना कच्ची जो ब्रिक्स है उसको पकाते हैं यहाँ पे, बेक करते हैं ताकि सॉलिड हो जाए, कच्ची ना रहे। और उसी के बाजू में खेत भी है, बेचारे यहीं पे अपना कर रहे हैं ये कच्ची। ये हम लोग ने टर्न लिया है, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स नागपुर, और
पहाड़ों का, वेस्टर्न घाट्स का व्यू है। और यहाँ से ऑफिशियली मेरे ख्याल से एक्सप्रेस वे अभी चालू हो रहा है, तो टोल लग रहा है। ये टोल आगे दिख रहा है, पापा बता रहे हैं। और आ गया। और ये टोल एक बार, अरे ये एक्सप्रेस वे चालू होने के बाद कितना, 5 घंटा 622 किलोमीटर, तो 6 घंटा मैक्स नागपुर। और ये भी फास्ट टैग है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस यहाँ पे जाओ अपने आप स्कैन करके। और देखो आ गया, खुल गया। तो हरे कृष्णा, मीठा पान खाने का वक्त आ गया। और ये पान का पत्ता मुझे इसमें मिक्स ही दिख रहा है, बेसिकली मसाला टाइप का है। वो बुखार, तो 450 किलोमीटर बाकी है नागपुर, 433 टू बी एग्जैक्ट। और अभी पापा ले रहे हैं ब्रेक, अभी मैं चलाने वाला हूँ। अभी हाईवे आ गया है एक्सप्रेस पे, तो चलाना काफ़ी इजी है। अपना इंडियन ड्राइवर्स लाइसेंस मैं कैरी कर रहा हूँ, कुछ होना नहीं चाहिए वैसे। एनीवे लेट्स गो भाई बहनों। तो यहाँ पे हम लोग अभी नागपुर 150 किलोमीटर के आसपास दूर है, हम लोग रुके थे यहाँ पे सुसु पॉटी करने के लिए, नहीं बस सुसु करने के लिए। यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स है, देखते हैं वहाँ पे कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक ले लेंगे मे बी, नहीं तो पापा हम लोग थोड़ा घर से लेके चले हैं लंच, तो मैं भी पापा वो कर लेंगे, मेरा तो मन नहीं है। गाड़ी में ही हो रही है थोड़ी सी पेट पूजा लंच टाइम, आलू पराठा और काजू कतली और सब मट्ठा मसाला छास। इसमें ना थोड़ा सा ये रख के लपेट दे देता हूँ, कैसे ठीक है। तो यहाँ पे जो MSRDC की जो फेंस बनाई है, तो ये बेसिकली पूरी ज़मीन सरकार की है, इतना पूरा इलाका। तो यहीं पे फूड कोर्ट, फ्यूल स्टेशन और ये सब बनाया है, उसके आगे फिर प्राइवेट ब्लॉक्स या प्राइवेट फार्म लैंड्स। तो यहाँ पे भी अलाउंस है इन फ्यूचर टू डू समथिंग। और अभी हम लोग घुस गए हैं नागपुर, घुसे नहीं हैं, घुसने वाले हैं बार बार के रोड पे। और कितना, 6 घंटा लगा, 622 किलोमीटर 6 घंटे में हो गया पूरा। समृद्धि महामार्ग ख़त्म हो गया, हम लोग अब एयरपोर्ट रोड पर जा रहे हैं। और अभी सिटी में घुसना नहीं पड़ेगा, बार बार ही घर आ जाएगा। और 17 मिनट्स 14 किलोमीटर टू गो, ऑलमोस्ट देयर। और यहाँ पे लग रहा है नागपुर। और लास्ट बार मैं कब नागपुर आया था मुझे भी याद नहीं है, पापा को भी याद नहीं है, बहुत साल हो गए हैं। मेरे ख्याल से अराउंड 20 साल तो एटलीस्ट, जहाँ तक मुझे याद है। काफ़ी कुछ तो बदल गया, हो गई बहुत ज़्यादा बदला है, इतना बदला है कि तुम पहचानोगे नहीं, देखना भी कुछ तो सामने ही दिख जाएगा। और बचपन में मुझे याद है कि एक मैंने मैंगो का, आम का पेड़ लगाया था पीछे बगीचे में, बट अभी बगीचा तो बचा नहीं है, ऊपर वाले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो पेड़ के भी बचे होने का चांसेस तो कमी है। बट एनीवे विल सी। और तो अभी मैं और, अरे बाबा बहुत ट्रैफिक है, अभी मैं और पापा चेंज कर लिया, अभी मुझे सिटी में ट्रैफिक में चलाने की आदत नहीं है। तो पापा अभी हाईवे पे चलाया काफ़ी, और मैक्सिमम तुम्हें चला के लाया। यहाँ पे मंदिर के सामने, चाय की टपरी के सामने हम लोग कर लें चेंज। नागपुर को बोलते हैं संतरा ऑरेंज सिटी, तो उसका यहाँ पे लगा हुआ है मॉडल। और ये जो 0 माइल लिखा हुआ है, वो बेसिकली जो नागपुर के थ्रू जाता है, क्या है,
सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है वहां से कैलकुलेटेड। ओह सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया है वो, तो इसको जीरो माइल बोलते हैं। अबे G20 का समिट हुआ था तो उसके सब जगह लगे हुए हैं बोर्ड्स, एयरपोर्ट के काफी पास है ये, अभी हम लोग एयरपोर्ट पे ही हैं और अपना जो नागपुर वाला घर है वो एयरपोर्ट के काफी पास है। ये जो अभी आया है हम लोग के लेफ्ट में है, ये है यहाँ का एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन, पापा बोल रहे हैं ऊपर से लाइन भी जा रही है, ये मेट्रो की लाइन है। हाँ ये है एयरपोर्ट की एंट्री, छोटा सी एयरपोर्ट है, ऑब्वियसली छोटी सिटी है कंपैरेटिवली, बट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई है। मुझे याद है यहाँ पे ही आते थे ना मैम पैदल चलने, हाँ तो उस समय बिल्कुल कुछ नहीं होता था यहाँ पे, अगर मैं वही सेम जगह सोच रहा हूँ तो नहीं, सही है वही है। हाँ तो यहाँ पे वॉकिंग करने आते थे रोज शाम में एज अ रूटीन, तो ये सब कुछ नहीं था, पूरा ओपन रोड एम्प्टी रोड वॉकिंग के लिए, बट अभी तो काफ़ी बिजी हो गया। समर वेकेशन पे आया था तो पीछे चली गई, वहाँ पे मैं टाइपराइटिंग सीखा था एक बार जब नाना नानी और मामा के साथ रहने आया था, बहुत ही मज़ा आया था, बट बहुत ही ख़राब ख़राब मेमोरीज भी हैं उस समय की नहीं मजाक कर रहा हूँ। और अभी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, देखते हैं अभी दो मिनट में पहुँचेंगे। पहुंच गए हम लोग घर, यह है मामा की गाड़ी और यह है घर। गाड़ी तो भारी खड़े होने वाली है। ये है कुआ, देखते हैं पानी है कि नहीं। ओह पानी तो भरा हुआ है यहाँ पे। स्कूटर खड़ा होता था मामा का, अब कहीं और होगा। ये वाला पतीला जिसमें मैं पहले चूड़ा खाया करता था, अभी चिड़िया पानी पीती है इसमें नहीं नहीं चिड़िया को पानी नहीं है, वो जल चढ़ाना है ना, पूछ से है नानी को ऐसे जल चढ़ाना है रोज। अच्छा और मम्मी ने बोला कि ऐसा पैर नहीं छूना और हेलो हेलो भी नहीं बोलते हैं, नमस्ते और पैर नहीं छूते इसमें। अच्छा चलिए बाय, कल के बाद कर सकते हैं। हाँ तो सामान लेके जा रहे हैं अभी अंदर, दिखाते हैं घर पहले। हाँ निकाल के लाओ इधर लाओ। और तो यहाँ पे बहुत सारी ज़्यादा कूलर अभी भी उसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे पहले था, पर ये वाला कूलर यूज़ करते थे जब मैं था, अभी छोटा वाला यूज डाल दिया है। और इन द हाउस है मेरे नाना जी वैद्यनाथ राय, जब मैं 10th में था तब चले गए, पूरा नया बना हुआ है एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का काम, और यहाँ पे मेरा आम का पेड़ हुआ करता था जो अभी पूरा डिसअपीयर हो गया है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे कैटरिंग आने वाली है, अभी पूरा मेस है, ये पूरा गार्डन हुआ करता था पहले बट नो लॉन्गर। और ये थोड़ा डिटेल में देखते हुए, अभी तो पूरा ऑब्वियसली ऊपर वालों का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ये पूरा यहाँ पे गार्डन हुआ करता था और पीछे गाड़ी खड़ी हुआ करती थी जो अभी नहीं है, बट ये पूरा ऐसा पीछे का ये सब नया है, तो ये पूरा एक पार्किंग के लिए और ये सब के लिए एरिया था। और यहाँ पे पार्क में मैं बहुत बार आया हूँ पहले, बनाएंगे। अच्छा वो तो ठीक है, वहाँ सामने वहाँ खिला देंगे।
और तो अभी घर में थोड़े बहुत फंक्शंस होने वाले, एक पंडित जी आएंगे वहाँ पे, गरुड़ पुराण जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाएगा, तो वो सब तो मैं कैप्चर नहीं करूँगा, वो थोड़ी पर्सनल चीज़ें हैं। ये ट्रैवल के बारे में था ये वाला वीडियो, तो इसलिए मैंने चलो ले लिया। बट इसके बाद जो भी होगा वो प्राइवेट फंक्शंस हैं, सब कुछ प्राइवेट है, तो वो सब कुछ कैप्चर नहीं होगा। तो आज के लिए फिर इतना ही रखता, मैं वीडियो यहाँ पर बंद करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो कर दीजिए लाइक, और बस यही, बाय।